नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। शुक्रवार सुबह यात्रा खरगोन जिले के खेड़दा गांव से शुरू हुई। करीब 10 किलोमीटर चलने के बाद भानवरड़ में मॉर्निंग ब्रेक हुआ। राहुल गांधी ने इस दौरान प्रदेश में सरकारी परियोजनाओं के कारण विस्थापित ग्रामीणों से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि इनका पुनर्वास सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे वह भूल गई है। राहुल गांधी ने कहा कि आपके यह आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, हम साथ मिलकर आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। लंच ब्रेक के बाद दोपहर करीब 3:30 बजे की यात्रा फिर से भानवरड़ से शुरू हुई। यात्रा में राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता चल रहे हैं। शुक्रवार की यात्रा का आखिरी पड़ाव सनावद में होगा। शाम 6 बजे यात्रा यहां के मोर टक्का विश्राम स्थल पर पहुंचेगी। इसके बाद राहुल शाम करीब 6:20 पर ओंकारेश्वर पहुंचेंगे। जहां वे नर्मदा पूजन और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन करेंगे। वे करीब 1 घंटे तक ओंकारेश्वर में रहेंगे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।